मध्य एशिया में ईरान एक मिसाइल संपन्न देश है। इसकी मिसाइल शक्ति मध्य पूर्व के देशों में सबसे ज्यादा है। ईरान के पास छोटी और मध्यम दूरी वाली मिसाइल पहले से ही है। हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज की गति से 15 गुना तेज चल सकता है। फतेह नाम की यह मिसाइल 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग भी की थी। ईरान के मुताबिक उसकी ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल के बेस तक पहुंचने में भी सक्षम है। अगर ईरान वायुसेना की बात करे तो तुलनात्मक रूप से ये सऊदी अरब और इजराइल से कमजोर पड़ती है, लेकिन उस कमजोरी की भरपाई ईरान की मिसाइलें करती है। इसी कड़ी में ईरान ने अबू मेहदी क्रूज मिसाइल को अपने बेड़े में जोड़ लिया है। इसे ईरानी रक्षा मंत्रालय की एक शाखा एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन AIO के सैन्य विशेषज्ञों ने विकसित किया है। बता दें कि ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी की इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव काफी गहरा हो गया था। अब उसी के नाम पर ईरान ने अपने नए मिसाइल का नाम रखकर सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दी है। अमेरिका और ईरान के बीच हालात सालों से तनावपूर्ण ही रहे हैं। अमेरिका लगातार ये मांग कर रहा है कि ईरान अपने मिसाइल परीक्षण को रोके। बावजूद इसके ईरान ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरान ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण किया है। जिस तरह की क्षमताओं से इसे लैस किया गया है वो ईरान के दुश्मनों के लिए वाकई एक चिंता का विषय है। तो आइए जरा इसकी खूबियों पर नजर डालते हैं। अबू मेहदी मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। इसके वेपन सॉफ्टवेयर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा गया है। तकनीकी रूप से जुड़ने की वजह से यह अपनी उड़ान को बेहतर प्लान कर सकता है। यह कई दिशाओं से दुश्मन के ठिकानों को भेद सकता है। इसका रडार की पकड़ में आना अब मुश्किल है, जो दुश्मन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इससे दुश्मन क्षेत्र में उनके जहाजों पर हमला करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये सब तब हो रहा है जब हाल ही में अमेरिका ने फारस की खाड़ी में और अधिक युद्धक विमान और जहाज भेजे हैं। ईरान के पास बड़ी नौसेना या वायुसेना नहीं है। ऐसे में इन मिसाइलों के जरिए ईरान दुश्मन के नौसैनिक बलों को सीधे तौर पर धमकी दे सकता है। इजराइल और UAE का सबसे बड़ा शत्रु देश ईरान है। उधर अमेरिका भी ईरान पर शिकंजा कसने के लिए लगातार मिसाइलों के परीक्षण को रोकने और प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहा है। बावजूद इसके ईरान ने नई मिसाइलों का परीक्षण करके अपनी बढ़ती क्षमता से ये बताने की कोशिश की है कि वो हर मुकाबले के लिए तैयार है।